का बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहोगे? उन्होंने काफ़ी स्पेशल जगह चूज की अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा। सो आज एक्चुअली बहुत एक्साइटमेंट वाला टाइम है, और ये एक्साइटमेंट हमें हर साल रहता है, बिकॉज जब भी हमें टाइम मिलता है हम आ जाते, पहले ये कहीं और रहते थे, अभी ये नई प्लेस है जहाँ ये शिफ्ट हुए हैं। और हम चाह रहे थे कि पार्टीज़ और वो सारी तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती, लेकिन स्पेंडिंग योर न्यू बिगिनिंग ऑफ यू नो अ टाइम, उसको आप ऐसी जगह सेलिब्रेट कर रहे जहाँ पर दीज किड्स आर मोर हैप्पी देन फ्रेंड्स जो आके पार्टी करके कल सुबह याद नहीं रहता है, ऐसे कहते अरे क्या हुआ था भूल गया, तो उससे दिस इज़ मच मोर बेटर। इसलिए हमें यहाँ पर बहुत खुशी मिलती है जब हम यहाँ आते हैं, और वी आर वेरी हैप्पी टू कम ऑन दिस ईयर। ओके, मैं मेरी दिली इच्छा ये है आगे के लिए भी कि जितने भी नीडीज़ हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए, हम हमारे आस्था फाउंडेशन के थ्रू वैसे भी करते हैं, और इससे ज़्यादा भी और करना चाहेंगे। एंड हम ये चाह रहे हैं कि हम एडुकेशन और किड्स के लिए, जो हमारा मेन मोटो एडुकेशन है, दूसरा उनके लिए मुझे जो लेडीज़ हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जो नहीं बता पाते और जनरली उनको इजीली मेडिसिन नहीं मिलती, वो सारी प्रोवाइड करें और गुड हेल्थ के लिए हम उनके लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके निकिता जी, सबसे पहले आज जो बर्थडे कितना स्पेशल है आपके लिए, जो बच्चे लोग के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। सी, मेरे लिए बर्थडे हमेशा स्पेशल होता है, बिकॉज हमें लगता है कि हमने एक और साल कम कर लिया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस और आ गया है, या फिर बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है जब आप लाइफ में कुछ नया नया कर रहे होते हो, तो मेरे लिए ऑब्वियसली ये बहुत एक्साइटमेंट है। और बर्थडे मुझे लगता है कि स्पेशल लोगों के साथ मनाना और भी ज़्यादा स्पेशल होता है, तो ये लोग यहाँ पर, ये बच्चे मेरे बहुत स्पेशल हैं, तो मेरे लिए उनके लिए बहुत स्पेशल फीलिंग है। बहुत अच्छी, बहुत प्योर, कुछ बनावटी नहीं, कहीं आपको कुछ अलग तैयार होके नहीं जाना पड़ता, या आपको बन के नहीं बोलना पड़ता, ना वो बन के बोलते हैं, बहुत बहुत प्योर फीलिंग कह सकते हैं ना, मैं वो फील कर रही हूँ। हाँ जी, मुझे विश ये मैडम ही करती है हमेशा, आस्था, मेरी छोटी सिस्टर, मेरी फैमिली, मेरी गाइडेंस सब। आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु भी है मेरी, ये तो मुझे यही हमेशा विश करती हैं, और मुझे इसी की विशेस पहले लेना बहुत पसंद है। Also, आपका एक नया सॉन्ग भी है जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को कि किस तरह लगा है। बहुत टाइम के बाद मैंने एक हॉट नंबर किया है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि मैंने कुछ सेंसेशनल कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। पहले मैं बहुत डरी हुई थी, तो इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अरे नहीं नहीं looking good, it's good, it's gonna be good. So now end of the day I'm feeling so good ki gaana bahut acha hua hai aur sab logo ko pasand aa raha hai teaser, to let's see pura gaana. Very excited, inse zyada shayad main excited hu, exactly. Because maine inki har look, har style, har cheez par dhyan diya hua hai, so aur main jaise cha rahi thi wo waise hi dikh rahi thi, so I am more excited for her upcoming song, very excited. Jaise Nikita ji ne kaha ki bahut sara guidance wo aapse leti hai, jab gaane ke bare mein aapko bataya to aapne kya suggestion diya? हाँ, इसके पहले उन्होंने मुझे एक गाना बताया था जो मुझे पसंद नहीं आया था, मैंने कहा था कि कोई ऐसे मुंह पे लग नहीं रहा है गाना, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और उसकी वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा वो गाना। सो शिवा सेड के ठीक है, अगर नहीं पसंद आया तो हम लोग कुछ और ढूंढते, देन हमने और कुछ गाने ढूँढे, बहुत सारे गाने सुने, उसके बाद ये वाले गाने पसंद आया, उसमें भी वो सिंगर मतलब बहुत सारी चेंजेस करवाए, एंड देन थिंग्स वर रियली गुड ऑन द प्लेटफॉर्म। उसके बाद हमने इनकी लुक पे काम स्टार्ट किया, और बहुत सारा डिटेलिंग, हर एक छोटी छोटी चीज़ें देखी, चेक की, और जब हम खुद सेटिस्फाई हो गए, देन वी थॉट लेट्स गो ऑन द फ्लोर एंड वी स्टार्टेड आवर शूटिंग। जी, लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे? आई एम श्योर बहुत सारे फैंस आपको विश करने वाले हैं बर्थडे के लिए। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो आपके फैन हैं? मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत 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 थैंक यू, बिकॉज़ आप लोग हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हो, आप लोगों ने हमेशा मुझे बहुत
अच्छी विशेस दी है और शायद आप लोगों की वजह से ही मैं आज जो भी हूँ वो दिख पा रही हूँ सब जगह, या कर पा रही हूँ, या अपने आप को मोटिवेट कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेशन देते हो। सो मैं बहुत सारा प्यार आपको देना चाहूँगी और थैंक यू फॉर विशेस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैम ये Happy birthday to you. Thank you, thank you.